हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट वीडियो में हमने टफनेस, रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस का जो टॉपिक था वो पढ़ा हमने। उसमें साथ ही में देखा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देन हमने स्टिफनेस को पढ़ने के साथ वो वीडियो खत्म किया था। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास टॉपिक्स बचे हुए हैं दैट इज इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, फटीग एंड क्रीप, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके कारण कोई मटेरियल अपने इनिशियल शेप एंड साइज को रिकवर करने की कोशिश करता है एंड उसे कंप्लीटली रिकवर कर लेता है, ठीक है। जिस मटेरियल में इलास्टिसिटी कम होगी वो मटेरियल अपने इनिशियल शेप में नहीं जाता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मटेरियल में जब हम लोग लोड लगाते हैं तो लोड को हटाने के बाद लोड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो डिफॉर्मेशन है वो नॉन रिगेनेबल होता है, उसको आप रिगेन नहीं कर सकते। यानी कि अगर सपोज मैं यहाँ पर एक मटेरियल लेता हूँ, ठीक है, इस मटेरियल पे अगर मैं लोड लगाता हूँ एज अ कंप्रेसिव लोड, ठीक, नाउ इसको मैं कंप्रेस कर देता हूँ, इसकी जो लेंथ थी L उसे मैं L माइनस डेल L पे लेके चला जाता हूँ आफ्टर अप्लाइंग अ लोड P। नाउ अगर ये मटेरियल में इलास्टिसिटी है सो ये मटेरियल क्या करेगा, आफ्टर रिमूविंग द लोड ये अपने इनिशियल स्टेज में यानी कि जब इसकी लेंथ L थी उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये चीज पॉसिबल होगी दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है दे आर नोन एज इलास्टिक मटेरियल्स। ओके, नाउ इलास्टिसिटी बेसिकली एक तरीके का ऐसा फोर्स है मटेरियल के अंदर मौजूद जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है, दैट इज द रेजिस्टेंस फोर्स। जो भी मटेरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही प्रोमिनेंट वैल्यू में, प्रोमिनेंट क्वांटिटी में रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर करते हैं अंडर एनी काइंड ऑफ लोडिंग। लाइक जैसे मैं यहां पर इसको भी कंप्रेस कर रहा हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ अ लोड पी, सो इन दैट केस ये जो पर्टिकुलर आपका बॉडी है ये इस लगाए गए लोड को रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। नाउ ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक, ये रेजिस्टेंस फोर्स जनरली हम लोगों को जो हमारे इलास्टिक मटेरियल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग। सो रीस्टोरिंग ये प्रोड्यूस करती है जिससे कि कोई मटेरियल जो है वो अपने इनिशियल स्टेज पे जा सकता है, ठीक है। सो फॉर इलास्टिक मटेरियल्स स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन और phi, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन विल बी वैनिश्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। जो भी स्ट्रेन है वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। एंड दिस प्रॉपर्टी जिसके कारण ऐसा पॉसिबल होता है, एंड द प्रॉपर्टी by virtue of which this happens is known as elasticity. इसके अपोजिट प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण कोई मटेरियल अपने इनिशियल शेप में जाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। तो जो इलास्टिसिटी है उसका जस्ट अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में हम लोग जब किसी मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो वो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। जैसा कि ने बताया इलास्टिसिटी के कारण मटेरियल में एक रीस्टोरिंग की टेंडेंसी होती है, तो प्लास्टिसिटी के कारण रीस्टोरिंग की टेंडेंसी कम होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो प्लास्टिसिटी की बात करते हैं अब। सो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल नॉट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इलास्टिसिटी के कारण वो कोशिश करता था वापस अपने इनिशियल स्टेट में जाने का, लेकिन प्लास्टिसिटी अगर उसमें ज्यादा होगी सो इट विल नॉट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। सो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल टेंड्स टू डिफॉर्म परमानेंटली, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मटेरियल है
जिसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी वो कभी भी अपने इनिशियल स्टेट में जाने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे हम उस पर जो लोड है उसको हटा क्यों ना दे। ठीक है, तो जो ये मटेरियल होता है ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, ऑफर करेगा भी तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा, इसमें रिस्टोरिंग की टेंडेंसी नहीं होती है, दैट्स वाई जब इस पर लोड हम हटा देंगे तो ये वापस अपने इनिशियल स्टेट पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वैसा बिहेव कर रहा है दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। नाउ प्लास्टिसिटी जो है वो मटेरियल को फॉर्मेबल बनाती है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्टील के हम मग्स यूज करते हैं, कप्स यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, हम लोग वायर्स बनाते हैं, केबल्स बनाते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी अगर मटेरियल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि मटेरियल को डिफॉर्म करना आसान होगा। लेकिन अगर उस पर प्लास्टिसिटी कम होगी और इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस मटेरियल को डिफॉर्म करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में से हमको ये समझ आता है कि जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स लाइक बीम्स हैं, ट्रसेस के मेंबर्स हैं, मशीन के जो एलिमेंट्स हैं, उनको ज़्यादा लोड बियर करना होता है, प्लस ये रिक्वायर्ड होता है कि उस लोड को वो बिना डिफॉर्म हुए बियर करें, बिना किसी फ्रैक्चर के या किसी एक्सीडेंट के वो उसको बियर करते रहें। सो दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी जो है दैट इज वेरी एसेंशियल प्रॉपर्टी फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ठीक है, और वी कैन से मशीन कंपोनेंट्स। बट प्लास्टिसिटी जो है ये जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मिंग एक टर्म होता है, ठीक है, सो किसी मटेरियल को फॉर्मेबल बनाता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, सो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलूं, मैन्युफैक्चरिंग में ये जो फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, फॉर्मिंग प्रोसेसेस के लिए जो प्लास्टिसिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये मटेरियल को फॉर्मेबल बनाता है। ठीक है, प्लास्टिक्स जो डिफॉर्मेशन होता है या जो प्लास्टिक बिहेवियर होता है मटेरियल का उसको स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स। ओके, सो दिस वॉज अबाउट इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। नाउ वी विल सी वॉट इज हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस को कैसे आप डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ लिया स्टिफनेस, हम पढ़ चुके हैं कि स्टिफनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस पढ़ लिया हमने, डक्टिलिटी पढ़ लिया, नाउ व्हाट इज हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस का मतलब होता है, देखिए कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है टफनेस में एंड हार्डनेस में, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट टर्म है। यहां पर जो टफनेस है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर द फ्रैक्चर, बट जो हार्डनेस है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग इन जनरल जो डेली लाइफ टफ वर्ड यूज करते हैं, किसी क्वेश्चन को हम टफ बोलते हैं, किसी चीज को टफ बोलते हैं या किसी चीज को हार्ड बोलते हैं, तो यहाँ से एक मिसकंसेप्शन माइंड में क्रिएटेड रहता है कि हार्ड बोलना एंड टफ बोलना दोनों सिमिलर है, बट दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर तो समझते हैं हार्डनेस के बारे में। सो हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन, हार्डनेस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कंपोनेंट उसमें पेनिट्रेशन को कितना रेजिस्ट करता है, आसानी से उसको पेनिट्रेट करना पॉसिबल है तो वो सॉफ्ट है, अगर उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल है तो वो डेफिनेटली हार्ड है। तो हार्डनेस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन, तो इसी को हम लोग हार्डनेस के नाम से जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए। नाउ इसको एक और तरीके से बताया जाता है, जैसे कि आप लोग आज की डेट में सभी हम सेलुलर फोन्स यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स के स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं गोरिल्ला ग्लास, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ग्लासेस आते हैं। सो वो ग्लासेस क्या करते हैं, हमारे जो स्क्रीन रहती है उसको स्क्रैचेस से बचाते हैं, और वो ग्लास इतने हार्ड रहते हैं के उन पे स्क्रैच फॉर्म करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है हमारे पास हार्डनेस के लिए। सो हार्डनेस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचेस। स्क्रैच भी जब हम करते हैं, पेनिट्रेट करना यहाँ पर सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है, बट पेनिट्रेशन के कंपेयर अगर मैं स्क्रैचिंग बोलूँ तो वो आसान लगता है। तो स्क्रैच फॉर्म करने में भी अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस पर स्क्रैच क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास पे स्क्रैच क्रिएट करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वुड, तो ग्लास जो है वो एज कम्पेयर टू वुड हार्ड है। ठीक है, सो इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचेस,
स्क्रैचेस, जितना मुश्किल होगा उस पर स्क्रैच फॉर्म करना वो मटेरियल उतना ही हार्ड होगा. बट मैकेनिकली जब मैं हार्डनेस को डिफाइन करता हूँ, सो आई विल डिफाइन एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी पेनिट्रेशन. तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स टेस्ट, नूप टेस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट है जो हम लोग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि डिफरेंट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम कौन कौन से टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो वहां मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको कि कौन कौन से टेस्ट हमको कंडक्ट करने होते हैं वेरियस काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए. सो दिस वॉज अबाउट हार्डनेस. नेक्स्ट है हमारे पास क्रीप. क्रीप किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी मटेरियल अंडर अ डेड लोड और अ कॉन्स्टेंट लोड अंडर एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता चला जाता है. ठीक है, लेट अस से यहाँ पर कोई एक हमारे पास कंपोनेंट है. ठीक है, अब जनरली यहाँ पर जो डेड वेट की बात कर रहे हैं या डेड लोड की बात कर रहा हूँ, जनरली ये इसका खुद का वेट होता है. अब डेड वेट क्या होता है, डेड वेट वो वेट को कहते हैं हम लोग जिसका मैग्नीट्यूड कभी हम लोग वेरी नहीं करते, कभी उसका डायरेक्शन हम लोग वेरी नहीं करते, कभी उसे चेंज नहीं किया जाता है. ऐसे लोड को हम लोग डेड लोड या डेड वेट कहते हैं. ठीक है, सो अंडर एक्शन ऑफ अ डेड लोड, ठीक, एक टाइम के बाद अंडर एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और एन एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने आप अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस डिफॉर्म होता चला जाता है. और ये जो टेंडेंसी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज क्रीप. ओके, सो क्रीप इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मटेरियल डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर एक्शन ऑफ अ डेड लोड दैट इज दैट कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. क्योंकि डेड लोड की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, सो स्ट्रेस कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट. सो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ड्यू टू विच मटेरियल डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर अ डेड लोड और कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एट एन एलिवेटेड और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर को हम यहाँ वेरी भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और इस कंडीशन में जब कोई मटेरियल डिफॉर्म होता है तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो डिफॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज क्रीप. ठीक है, नाउ क्रीप को हम लोग यहाँ पर तीन स्टेज में पढ़ते हैं, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप एंड टर्शियरी क्रीप. ठीक है, सो प्राइमरी क्रीप क्या होता है, इनिशियली जब क्रीप की स्टडी करते हैं हम लोग तो जो डिफॉर्मेशन होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिफॉर्म होता रहे मटेरियल. तो हम यहां पर डिफॉर्मेशन वर्सेस टाइम कर्व एक प्लॉट करते हैं. नाउ देखेंगे हम लोग अंडर एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट लोड, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो यहां पर डिफॉर्मेशन है वो बढ़ता चला जाता है, देन डिफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है कुछ देर के लिए, देन ये सडनली इंक्रीज हो जाता है. तो इसको मैं तीन स्टेज में बांट सकता हूँ. फर्स्ट स्टेज जहाँ पर ये धीरे धीरे पहले बढ़ना चालू हुआ, देन सेकेंडरी स्टेज में ये जो क्रीप डिफॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, देन अगेन वापस आफ्टर सर्टेन टाइम ये डिफॉर्मेशन फिर स्टार्ट होता है. सो दिस इज योर प्राइमरी क्रीप, दिस इज प्राइमरी क्रीप, दिस इज सेकेंडरी क्रीप एंड दिस इज टर्शियरी क्रीप. ओके, नाउ क्रीप जो है ये जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर को जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर दूं अगर तो क्रीप की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, नाउ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्रीप टॉलरेट करना के मटेरियल के लिए आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्रीप को टॉलरेट करना मटेरियल के लिए उतना ही कठिन होता चला जाता है. ठीक है, तो अगर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट लेट अस से TM है, ठीक है, TM इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, melting point of material. Now, जो temperature है T, that is the temperature of material, अगर मैं उसको almost equal to TM by 2, that is half of the melting point कर दूं, तो उस केस में हमको देखने को मिलता है कि जो material है उसके लिए इस creep को tolerate करना next to impossible हो जा रहा है. अब वो उसको
टॉलरेट नहीं कर पाएगा और एकदम यहाँ पर एक्सपोनेंशियली हमको जो क्रीप डिफॉर्मेशन है वो मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी मटेरियल डिफॉर्म होगा एंड देन तब तक डिफॉर्म होगा जब तक के वो ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर है दैट इज नोन एज होमोलॉगस टेम्परेचर, होमोलॉगस टेम्परेचर, and the temperature that is homologous temperature is almost equal to half of the melting point temperature of the material. तो हमने देख लिया homologous temperature क्या होता है, अब हम देखते हैं भाई इस curve में से हमको क्या क्या information मिल सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो ये curve है ये deformation और time के बीच मैंने plot किया है, तो इस curve को हम जानते हैं creep curve के नाम से, creep curve, ठीक है। creep curve में हम लोग जो curve plot करें that is between deformation and the time. Now, आप देखोगे यहाँ पर इनिशियली कि जो कर्व का स्लोप है इन दी प्राइमरी क्रीप जोन, दिस इज प्राइमरी क्रीप, दिस इज सेकेंडरी क्रीप एंड दिस इज टर्शियरी क्रीप, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी क्रीप, अब यहाँ पर मैंने इसको प्राइमरी क्रीप बोला है, इसको टर्शियरी क्रीप बोला है, तो इसको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया था उसको देखते हैं, चलिए। सो प्राइमरी क्रीप को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ जो कर्व बन रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो स्लोप है कर्व का वो कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है दैट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो प्राइमरी क्रीप होती है प्राइमरी क्रीप में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है दैट डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलना क्यों सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको डी डिफॉर्मेशन दैट इज डेल एल बाई डी टी, सो दिस इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसका जो स्लोप है, इस जो कर्व का स्लोप है दैट विल टेल यू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ओके। नाउ सेकेंडरी क्रीप में जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है दैट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। डिफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो आपका या तो रुक गया है, ठीक है, या तो बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है, सो द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंट और वेरी स्मॉल, ठीक है। देन आप देखेंगे टर्शरी स्टेज में आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व दैट इज द डेल एल बाई डी टी दैट इज द स्लोप ऑफ कर्व, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप कम था देन कंटिन्यूअसली जो स्लोप ऑफ कर्व है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल द मटेरियल इज इन एक्शन, और जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा क्रीप विल स्टॉप, ओके। तो ये एक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक ये मटेरियल ब्रेक नहीं हो जाता, तो दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट, ओके। तो हमको याद रखना है प्राइमरी स्टेज में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टर्शियरी स्टेज में जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है दैट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीजेस with respect to time, okay. So this was all about creep. तो अब हम देखते हैं fatigue के बारे में. Fatigue is the property of material by virtue of which a material will deform under action of a fluctuating load. किसी fluctuating load के presence में कोई component जब deform होता है तो उसकी tendency को हम बोलते हैं fatigue की tendency, ठीक है. Now what is fatigue? So it is nothing but a fluctuating load. जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स जो है हमारे पास, ठीक है, या मैं जिसको मैकेनिकल फोर्स अगर बोलूं तो उसको मैं लोड भी बोल सकता हूं, मैकेनिकल फोर्स और लोड. सो एनी फोर्स हैज टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड है आपका डायरेक्शन, ठीक है. नाउ अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी या जो भी चीजें अब तक हमने डिस्कस की हैं, उसमें हमने देखा था कि कंपोनेंट या तो टेंसाइल फोर्स बियर कर रहा होता है, या तो फिर वो कंप्रेसिव फोर्स बियर कर रहा होता है, ठीक है, या तो वो शियर फोर्स बियर कर रहा होता है, ठीक. अब यहाँ पर फोर्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसका डायरेक्शन होता है. तो फ्लक्चुएटिंग लोड किसको कहूँगा मैं, फ्लक्चुएटिंग लोड तब कहूँगा जब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ अगर चेंज हो रहे हो, तो ऐसे केस में जो लोड होगा उसको फ्लक्चुएटिंग लोड मैं कहूँगा. जैसे कि अभी इस कंपोनेंट पे मैं 50 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ. नाउ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस फोर्स पी इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये जो पी है दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो इट इज नोन एज अ स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड,
अब जैसा कि मैंने बताया था, स्टैटिक लोड जो है उसको हम लोग जनरली ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, या तो हम उसको सडनली अप्लाई करते हैं या तो हम उसको किसी हाइट से फॉल कराते हैं, ठीक है। सो ये स्टैटिक कंडीशन जो लोड होता है वो तीन तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, दैट इज दी ग्रेजुअल, सडन और इम्पैक्ट। यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगा दैट विल नॉट चेंज, इट इज दी ओनली क्राइटेरिया टू से दैट द लोड इज फ्लक्चुएटिंग और इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। सो द थिंग विच वी हैव टू टेक केयर अबाउट इज दैट यहाँ पर आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तब मैं उस लोड को स्टैटिक लोड कहूंगा, ठीक है। तो स्टैटिक लोड में जनरली जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जब कोई मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड फेल होने वाला होता है या ब्रेक होने वाला होता है तो बिफोर फ्रैक्चर वो हमको इंडिकेशंस देते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ फटीग लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड वहां पर हमको इंडिकेशन नहीं मिलता, यानी कि स्टैटिक लोडिंग में जो फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर, ठीक है, वो विथ इंडिकेशंस होता है, विथ इंडिकेशंस कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देगा कि यहां पर फेलियर ऑकर होने वाला, लाइक कोई क्रैक फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उससे हमको समझ आ जाएगा कि अब इसके बाद इसको मैं लोड करता हूं तो ये डेफिनेटली फेल हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड, हमको जो फेलियर मिलता है दैट इज सडन, सडन फ्रैक्चर होता है। यहां पर बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये मटेरियल अभी टूटने वाला है, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों को जो डिजाइन क्राइटेरिया थे इन केस ऑफ फटीग वो हमको बदलने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो वहां पर टेंसाइल टोस टेस्ट करे थे उस केस में हमने लोड को ग्रेजुअली बढ़ाया था, लोड स्टैटिक लोड था और वहां पर भी हमने देखा था कि प्रॉपर इंडिकेशंस देने के बाद फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन जब फटीग लोड होगा दैट इज फ्लक्चुएटिंग लोड तो वहां पर सडन फ्रैक्चर होता है। तो याद रखना है हमको अंडर फटीग जो ब्रेकेज होता है चाहे वो मटेरियल डक्टाइल क्यों ना हो, इन केस ऑफ फटीग लोड, फटीग लोड, फटीग लोड यानी कि ऐसा लोड जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चेंज करेगा तब भी ये फ्लक्चुएटिंग है, या फिर दोनों साथ में चेंज करेगा तब भी फ्लक्चुएटिंग है। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है अपना, ऐसे केसेस में हम उसको फटीग लोड बोलते हैं। सो फटीग लोड में जो फ्रैक्चर होता है चाहे वो मटेरियल डक्टाइल क्यों ना हो, डक्टाइल मटेरियल भी ब्रिटल फ्रैक्चर देता है। सो अंडर एक्शन ऑफ फटीग लोड इवन डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल गिव्स ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, दैट इज दी फेलियर और दी फ्रैक्चर विदाउट एनी इंडिकेशन, सडन वहां पर फ्रैक्चर हो जाता है विदाउट गिविंग एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एनी सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन, वो फेल हो जाता है। सिंपल इसके एग्जांपल है, हम लोग कई बार जब हमारे पास केबल काटने के लिए कोई कटर नहीं होता है तो नॉर्मल हम लोग के जो वायर्स होते हैं उसको हम लोग बार बार बैंड करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, एंड थोड़ी देर बाद देखते हैं जो केबल है वो जो वायर वो टूट जाता है, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फटीग लोडिंग। वहां पर हम लोग जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का और जो डायरेक्शन है उसको अल्टर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और देखते हैं वायर जो कि स्टील का बना हुआ है दैट इज अ डक्टाइल मटेरियल वो भी ऑल ऑफ सडन अचानक से ब्रेक हो जाता है विदाउट एनी इंडिकेशन। सो दैट इज अबाउट फ्लक्चुएटिंग लोड। नाउ फ्लक्चुएटिंग लोड है इस केस में तो यहां पर हमको जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये काफी नहीं होती किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करी है ये सारी स्ट्रेंथ फाइंड आउट किए थे हम एक ग्रेजुअल लोड अप्लाई करके कि स्टैटिक लोड अप्लाई कर रही थी। तो जब कोई फ्लक्चुएटिंग लोड का केस आएगा तो उस केस में हम कैसे बता सकेंगे कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना लोड बियर कर सकता है, ठीक है। तो अब फ्लक्चुएटिंग लोड के केसेस में दो तरह के हम लोग स्टडीज करते हैं, ठीक है, वन इज फॉर इनफाइनाइट लाइफ एंड वन इज फॉर फाइनाइट लाइफ। इनफाइनाइट लाइफ कब कहेंगे, जब हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर फ्लक्चुएटिंग लोड को इनफाइनाइट टाइम तक के कैरी कर सकता है, और अगर हम उस टाइम को बाउंड कर देंगे कोई फाइनाइट वैल्यूज की बताएंगे और उतने टाइम तक उसको एटलीस्ट उस लोड को बियर करना होगा, तो ऐसे डिजाइन प्रॉब्लम्स को हम लोग फाइनाइट लाइफ प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तो इस तरीके से हम लोग फटीग को स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया दैट इज इनफाइनाइट लाइफ और फाइनाइट लाइफ, ठीक है। अब एक टेस्ट कंडक्ट किया गया दैट इज नोन एज आरआर मोरे टेस्ट। आरआर मोरे टेस्ट में क्या किया गया कि एक कंपोनेंट को उसने मशीन में लोड करके, जो टेस्ट मशीन थी उसमें लोड करके इसको रोटेट किया गया, ठीक है,
इसको रोटेट किया गया और इस पे हमने मास लगा दिया, कोई वेट लगा दिया यहाँ पर। तो जब ये रोटेट होना चालू होगा तो एक इंस्टेंट पे ये इस तरीके का कर्वेचर बनाएगा और दूसरे इंस्टेंट पे इस तरीके का कर्वेचर बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसमें स्ट्रेसेस के डायरेक्शंस हैं और जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ वेरी होते रहेंगे, ठीक है। तो हमको एक स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी जिस स्ट्रेस को ये इनफाइनाइट लाइफ तक के कैरी कर सकता है, ठीक है। एंड दैट स्ट्रेस इज नोन एज एंड्योरेंस लिमिट, और एंड्योरेंस लिमिट जो है दैट इज द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फॉर द फटीग लोड डिजाइनिंग, ओके। सो फ्लक्चुएटिंग लोड के केस में हम लोग एंड्योरेंस लिमिट जो होती है उसको मान करके चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सो एंड्योरेंस लिमिट को हम समझते हैं क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट। सो इंड्योरेंस लिमिट एक पहली चीज जानना है कि किसकी वैल्यू है। तो जो इंड्योरेंस लिमिट है दैट इज वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेस, सो इट इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब कैसा स्ट्रेस होगा ये, क्या ये स्टैटिक स्ट्रेस है यानी कि कोई डेड लोड के कारण हुआ है क्या, नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये फ्लक्चुएटिंग लोड के कारण प्रोड्यूस हुआ है। सो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज कंप्लीटली रिवर्स्ड, कंप्लीटली रिवर्स्ड, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है और एक बार जितना मैग्नीट्यूड मैंने कंप्रेशन में लगाया है उतना ही उस मैंने टेंशन में भी लगाया है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो गया। सपोज 100 मेगा पास्कल आपका टेंसाइल था, देन आफ्टर अ टाइम 100 मेगा पास्कल कंप्रेशन भी लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। सो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट इज कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस which a material can carry, which a material can carry for infinite number of load cycles, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जो लोड इसमें अप्लाई किया गया इसके कारण जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्ट्रेस अपना नेचर और मैग्नीट्यूड बार बार कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रहा है, ठीक है। नाउ एक बार जब ये बीम रोटेट होगी तो एक लोड साइकिल कंप्लीट हुआ माना जाता है। एक बार जब ये जो आपका कंपोनेंट है जब ये एक कंप्लीट रोटेशन देगा दैट इज नोन एज वन लोड साइकिल। तो वहां से आपको समझना है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रेस जिसको वो कंपोनेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक वियर कर सकता है, ऐसी स्ट्रेस की वैल्यू को मैं बोलूंगा एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। बट इनफाइनाइट बोलना यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है, किसी को समझ नहीं आएगा कि कब फेल होने वाला है। तो यहाँ पर 1 मिलियन रेवोल्यूशंस या फिर 1 मिलियन साइकिल, एक बार वो रिवॉल्व हो रहा है कंप्लीट रोटेशन दे रहा है उसको एक साइकिल बोल रहा हूँ। सो 10^6 साइकिल्स को यहाँ पर हम लोगों ने फिट माना विच इज नेक्स्ट टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। तो ये मान लिया जाता है कि अगर 10^6 यानी कि 1 मिलियन साइकल्स तक के अगर किसी कंपोनेंट ने एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को कैरी कर लिया तो फिर वो उस स्ट्रेस से कभी फेल नहीं होगा, एंड दैट इज टेकन एज द इंड्योरेंस लिमिट ऑफ दैट कंपोनेंट। सो व्हाट इज इंड्योरेंस लिमिट, अब इसको इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेशन को, दैट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस विच अ कंपोनेंट कैन कैरी फॉर 10^6 साइकिल, दैट इज 1 मिलियन साइकिल। सो दिस इज द इंड्योरेंस लिमिट, एंड इंड्योरेंस लिमिट को ही हम लोग फटीग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फटीग स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ। नाउ इसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक डिफरेंट तरीके का डायग्राम देखते हैं, दैट इज नोन एज SN कर्व। SN कर्व मेजरली जो होता है हमारे फाइनाइट लाइफ प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। फाइनाइट लाइफ प्रॉब्लम दैट इज जब मैं उसकी लाइफ यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज एटलीस्ट उसको 1 मिलियन साइकल्स तक उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये कर्व प्लॉट किया जाता है आपका नंबर ऑफ साइकिल एंड और यहाँ पर स्ट्रेस के बीच में, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सो SN कर्व बोलते हैं इसको। अब N नंबर ऑफ साइकिल की जो वैल्यू है दैट इज 10^6, तो इतना बड़ा कर्व प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इसको log base 10 ऑफ N ले लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर कर्व प्लॉट किया जाता है, दोनों एक्सिस पे हम लोग log ले लेते हैं, log base 10 ऑफ S, ठीक है। अब ये जो कर्व है दैट इज स्ट्रेस वर्सेज नंबर ऑफ साइकिल, दिस इज नोन एज दी SN कर्व। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसके बाहर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो पॉइंट शो करता है आपका फेलियर पॉइंट,
फेलियर पॉइंट्स, और इसके अंदर का कोई भी पॉइंट जो है वो सेफ है, यानी कि इसके अंदर कोई एन की वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई स्ट्रेस है सो योर डिजाइन इज सेफ, अदरवाइज योर डिजाइन इज फेल। सो यहाँ पर हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जिसको हम कंडक्ट करके नंबर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज के जितने टॉपिक्स थे और अब तक हमने जो जो पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में आपके जो डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। ओके, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।